देखिए कोई तामझाम नहीं है, एक तो वो हमारे पास ज्यादा है भी नहीं, ऊपर से हमने बहुत ज्यादा खर्च किया भी नहीं। दिमाग अरे वो पैसे पैसे देखिए जैसा आप चाहते थे ना, सब वैसे ही सादगी से हो रहा है जी। वैसे बताइए तो मेरी ये साड़ी मेरे संगे मरमर के बदन पर कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है ना, पता है मैं तो मुई छुई मुई। लीजिए समोसे और जलेबी आ गई। अल्लाह मैं इतनी बिजी थी फिर भी वक्त निकाल के अपने नाजुक हाथों से ये सब बनाया है मैंने। मजाक थोड़ी ना है, अजर बाबा और आसमां की सगाई जो है। वैसे सनम ने भी थोड़ी बहुत मदद कर दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मदद करके आती हूँ। लाओ। संभल के संभल के। ना बात करने का सलीका, ना चलने का तरीका। या अल्लाह, किसे जानबूझ के टकरा रहा है? मुझे चुका नहीं पाया तो अब गिराने की कोशिश कर रहा है। दोबारा मुझे ये नॉनसेंस नहीं चाहिए। बी केयरफुल।
जी वो मुनीसा बीबी ने बुलाया था, उन्होंने कुछ पुराने कपड़े रखे निकाल कर वो लेने को कहा था। ये दुपट्टा मुनीसा को दे देना और कहना कि पूरी एहतियात के साथ इसे साफ करके मुझे जल्द से जल्द वापस कर दें। जी इतने कपड़ों में केवल ये बर्तन मिलेगा, ये दे देना मुनीसा बीबी को। ये अज़र कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब आ रहे बेटा, वो तो अपने उसमें वो कर रहा होगा। क्लिनिक में पेशेंट का इलाज। हाँ। उसका फोन भी नहीं लग रहा। हाँ, आ रहे बेटा, वो वहाँ होगा ना? ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ फोन नहीं ले जा सकता ना वो। आज उसके एंगेजमेंट है। आज तो कम से कम वक्त पे आ जाना चाहिए था उसे। इर्रेस्पॉन्सिबल। आहिल भाई, अगर आप बोलो तो मैं उसे लेकर आता हूँ। तुम क्यों तकलीफ करते हो, आ जाएगा ना वो। वैसे भी उसके क्लिनिक का पता तुम्हें कहाँ पता? ऑफ कोर्स पता है, उसने मुझे खुद बताया था। 22B शौकत रोड, सही है ना? ये अजन मरवाएगा वो कमबख्त। उस जुए की लत ना हम सब पे वो पड़ेगी। अरे सर के चक्कर में ये एटीएम मशीन हाथ से निकलने वाला है। आप उसे समझाते क्यों नहीं है? इस घर में मेरी सुनता कौन है? वो भी तो है। हाय अल्लाह, कौन सी एटीएम मशीन है? जाहिल रजा इब्राहिम की उलझन तो मैं एक पल के लिए सुलझा भी, लेकिन ये एटीएम मशीन की आप, मैं उसे फोन करता हूँ, आप क्या पता मेरा फोन उठा ले। हाँ। बेटा गुलाम अली, तुम जैसे गुलामों के पास सिर्फ गुलाम आते हैं और हम जैसे बादशाहों के पास बेगम, वो भी तीन तीन। तेरा भाई चीता है जुएगा। अरे अजर मियां, बेगम से याद आया, आज तो आपकी सगाई थी ना? अल्लाह, अबे पहले क्यों नहीं याद दिलाया? इन बेगमों के चक्कर में असली वाली निकल जाएगी। अरे अजर भाई रुको ना, कहाँ जल्दी, आज तो आपका लक चल रहा है, एक आखिरी बाजी तो बनती है, क्यों भाई? हाँ यार बैठ जाए, गेम और खेलते हैं। इतनी देर हो गई, ये अभी तक आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये सगाई करना ही नहीं चाहते? नहीं नहीं आसमा बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटा लगता है कि कोई बहुत बड़ा वो आ गया है। ऑपरेशन? हाँ, हाँ, हाँ। आसमा पानी पी लीजिए। देखिए आप घबराइए मत, अजहर आ जाएंगे। पता नहीं क्यों सुबह से दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होने वाला है। कुछ भी गलत नहीं होगा, और मैं समझ सकती हूँ, सगाई से पहले बेचैनी तो होती है ना। इनफ। हर चीज की एक लिमिट होती है रेहान, या तो तुम अजहर को क्लिनिक से लेकर आओ या तो फिर मुझे एंगेजमेंट पोस्टपोन करनी पड़ेगी। बेटा ये क्या कह रहे हो बेटा? बेटा वो हो गया तो वो हो जाएगा, और फिर उसके होने से वो भी हो जाएगा। इनके कहने का मतलब है कि अजहर भी आता ही होगा। हाँ। लगता है अजहर पापा आ गए। आ गए? अरे
अल्लाह मियां, अब ये कौन है? बेगम साहिबा आ गई है, जल्दी से नाश्ता अरेंज करो, जाओ। मुनीसा, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है वो दुपट्टा? मुझे नहीं पता, वो हाया ने शायद। मैंने तुम्हें वो दुपट्टा दिया था मुनीसा को देने के लिए, कहाँ है वो? तुमने वो दुपट्टा मुनीसा को दिया या नहीं? सुन रही हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने खास तौर पर तुम्हें हिदायत भी दी थी कि वो दुपट्टा मुनीसा को देना, तो फिर सुनाई नहीं देता? बहरी हो क्या? तुम जानती भी हो कि उस दुपट्टे की क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में? कहां है वो दुपट्टा? बोलो, क्या किया तुमने उसका? कुछ बोलोगी या मुंह में जुबान भी नहीं है? बहरी होने के साथ साथ गूंगी भी हो क्या? आप यूं वैसे अकेले कैसे आ गई अम्मी? आप मुझे कह दिया होता, मैं गाड़ी लेकर आता। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हमारी फिक्र छोड़ो आहिर, हमें देखकर तो तकलीफ को भी तकलीफ हो जाती। और फिर हम अगर तुम्हें आने के लिए कहते तो हम अपने बेटे के चेहरे पर ये खुशी कैसे देख पाते? अम्मी, नाजिया, शाजिया। अरे क्या हुआ, तुम दोनों हमारे सीने से नहीं लगोगे क्या? अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं कब से आपके वापस आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार तो हम कर रहे थे कि कब हम यहाँ आए और कब हम अपने बच्चों को सीने से लगाए। आज अजहर की सगाई है और आपके आने से इस मुबारक मौके में चार चांद लग गए। आज की शाम यादगार रहेगी। हमारे लिए तो इस हवेली में हर शाम यादगार रही है। अब अम्मी आइए प्लीज।
हाया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताना। सनम की याद आ रही? या अल्लाह, तूने तो दो मिनट के लिए मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ कि तुम अचानक रोने लग गई। बेटा, सनम की याद मुझे भी आती है, लेकिन क्या करें, वो यहां नहीं आ सकती, उसकी नई नई नौकरी लगी है, तुम समझती हो ना। ठीक है, हम आज उससे मिलने जाएंगे, मैं उससे बात करती हूँ। माशाल्लाह, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तुम। आज से तुम हमारे खानदान का हिस्सा बनने जा रही हो। अल्लाह तुम्हें हर वो खुशी बख्शे जिसकी आरजू तुम्हारे दिल ने की है। ये लो, हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना। और हम जानते हैं कि तुम अजहर को बहुत खुश रखोगी। लेकिन अजहर है कहाँ? जी, वो आने ही वाला होगा। सनम, मुझे पता है तुम बिजी हो बेटा। तुम काम पर हो ना? सुनो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हाया यहाँ आ गई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। बेटा, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है। आज अगर तुम नहीं आ सकती तो क्या हम आकर तुमसे मिल लें? हाँ, भले 5 मिनट के लिए, लेकिन प्लीज आज मिल लो। यहाँ कोई परेशानी है क्या सनम? नहीं नहीं, परेशानी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ ना आज किसी की सगाई है, छोटा सा फंक्शन है, तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। या अल्लाह, ये जल्लाद जिन भी अपनी अम्मी से कितनी मोहब्बत करता है। नहीं नहीं सनम, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट। क्या है कि तुम्हें देख लेंगे ना तो हया को सुकून मिल जाएगा और मुझे भी। बहुत वक्त हो गया ना तुम्हें देखे हुए। तुम सुन रही हो ना? जी जी बड़ी मम्मी, मैं सुन रही हूँ। वैसे मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है आपसे मिलने का, और हया तो देखिए ना कितने दिनों बाद आई है, तो आप आ ही जाइए। ठीक है, तुम एड्रेस बता दो। ऐसे ठीक से एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता। आप रिक्शा वाला से कहिएगा कि बड़ी मस्जिद के साथ वाली गली में आपको छोड़ दे, मैं आपको लेने आ जाऊंगी।